संस्थान के ऑफलाइन सेक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जो ज़रूरी जानकारी है मैं आपको देना चाहता हूं, और शायद अब हमारा जो वार्तालाप है ना कुछ ऐसे ही होगा। ये लाइट ओपन कर दीजिए, मुझे आपके चेहरे दिखने चाहिए। तो ऑफलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग अभी तक अपनी आईडी नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल सारा कुछ डिजिटल किया जा चुका है और प्रयास ये है कि एक बार सिस्टम क्रिएट हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आज जितनी भी चीज़ें हैं अप्लाइड हैं, कल से ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाइड हो जाएंगी। इसी तरीके से होगा और यही तरीका सही भी रहेगा। एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, उस सिस्टम के तहत आपको रन करना होगा। आप लोगों को फॉर्म भेजा गया था, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने भरा। जो लोग सेम ईमेल आईडी बार बार डाल रहे थे, पहले डाल चुके थे, उनका रजिस्ट्रेशन फेल बताएगा, इसलिए वो अपनी ईमेल आईडी वही डालें, और यदि उनको पासवर्ड भूल गया तो रीसेट कर लें। अब इसको लॉगिन कैसे करना है मैं लॉगिन करने का बता देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट है, सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिए एक सेक्शन बना हुआ है ऑफलाइन पैनल का, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन पैनल पे आप क्लिक करेंगे, ये रहा आपका ऑफलाइन पैनल, ठीक है, ये आपका ओपन होकर के आ गया। ऑफलाइन में यहाँ पे पूछ रहा है यू आर स्टूडेंट, सबके लिए बना हुआ है, टीचर्स के लिए भी है, एम्प्लॉय के लिए भी है, सबके लिए हमने बनाया है। और सबका अब यही है कि किसी से डायरेक्टली ये नहीं कि बैठ के मीटिंग करनी है, वेबसाइट पे जाइए। आप दिन भर व्हाट्सअप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, एक बार एक दिन में अपनी वेबसाइट भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट के तर्ज पे यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं। देखिए यदि आपने केवल आईडी बना ली और उस पे आपने फ़ोटो और ये सब कुछ नहीं भेजा तो आपको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, तब तक आपकी आईडी ओपन नहीं होगी यहाँ पे। जब तक आपको रजिस्टर्ड नहीं किया गया होगा ओपन ही नहीं होगी वो। तो देखिए सिस्टम क्या है, मैं एक बार सिस्टम बताता हूँ। सिस्टम हमने कुछ ऐसा बना रखा है पैनल पे, यदि कोई बच्चा संस्था में आता है हमसे मिलने, तो मिलने आने के बाद उसको यहाँ पे इंक्वायरी जो होगी, इंक्वायरी अभी तक ऑफलाइन होती थी, अब इंक्वायरी भी सिस्टम पे ही होगी। यहाँ पे इंक्वायरी का पूरा सेक्शन बना हुआ है, कोई भी बच्चा आएगा यहाँ पे इंक्वायरी देगा। ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब है इंक्वायरी होना, बच्चे से पूरा उसका डिटेल ले लेना। वो एक महीने बाद, दो महीने बाद, दस महीने बाद जब हमारे पास आएगा तो आने के बाद हम उसकी इंक्वायरी देख पाएंगे। देखिए जिन लोगों ने इंक्वायरी ली है क्रम से उनका डिटेल यहाँ पर डेली बेसिस का आ रहा है। 16 तारीख की इंक्वायरी है, 14 की इंक्वायरी है, डेली बेसिस की देखिए इंक्वायरी है। तो ये इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी लेने आएंगे, आपने डिटेल भर दी, आप इंक्वायरी में चले गए, अभी आपको संस्था ने रजिस्टर्ड नहीं किया। तो जब ये फॉर्म आप भर देंगे तो हमारा काम रहेगा आपको रजिस्टर्ड करने का, हम यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, ये जब तक आपको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा आपका पैनल एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड पे हम डालेंगे तब आपका पैनल ओपन होगा। तो जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, अपनी फ़ोटो डिटेल एक नंबर आपको दिया गया था उस पर भेजेंगे तभी हो पाएगा। तो जब आपका सब कुछ यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भेज देंगे, सिग्नेचर भेज देंगे, आधार कार्ड भेज देंगे, तो भेजने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। देखिए इतने बच्चे हैं जिनको रजिस्टर्ड किया गया है, ये धनंजय प्रताप हैं, ये सबको रजिस्टर्ड किया गया है। अब ये चाहें तो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू चीज़ें ओपन कर सकते हैं। मैं इनका ओपन करके एक बच्चे का दिखाता हूँ। देखिए इनका है, इन्होंने सारा कुछ भेजा, इनके पैनल पर अपडेट है ना, इनका आई कार्ड वगैरह सारा कुछ बन भी गया है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑफलाइन मेंटेन नहीं हो पा रही थी चीज़ें, तो डिजिटल सबसे आसान तरीका होता है। मैं एक बार जो है इनकी आईडी ओपन करके आपको वेबसाइट से दिखाता हूँ। जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई मेरी जिस आईडी से, जिस ईमेल आईडी से और जो पासवर्ड इन्होंने बनाया उसी पासवर्ड के थ्रू ये जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे, यू आर स्टूडेंट, स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, जो ईमेल आईडी आपने यूजर आईडी के तौर पे डाली है। ईमेल आईडी के बाद आप पासवर्ड डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। इनका पासवर्ड चूँकि एडमिन होने के नाते मुझे पता है क्या है, तो इनका पासवर्ड जो है मैं यहाँ से ले लूँगा, क्या हुआ, हाँ वो केवल मुझे शो करेगा, आपको नहीं करेगा। जिसका पासवर्ड ना हो, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप रीसेट कर लेंगे, आपकी जो ईमेल आईडी थी उसी ईमेल आईडी पे पासवर्ड अपने आप चला जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। ये देखिए इनका खुल गया, अब कैसे नहीं खुल रहा, या तो आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ये हो सकता है रजिस्टर्ड होने के। अब देखिए इनका आज की क्लास क्या क्या थी संस्था की,
आज पवैट की क्लास थी जो कैंसिल हुई, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ही अपडेट की जाएगी कि ये कैंसिल हो गई थी। रीज़न क्या था? बारिश हो रही थी। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी क्लास चल रही है। ये जितने बैचेज हैं सभी बैचेज में जब आप आए होंगे आपको एक बैच दिया गया होगा, ठीक है। अभी बैच नंबर 11 चल रहा है, 11 या 12, तो ये बैचेज हैं सभी बैचेज का। अभी जो लेटेस्ट है 16 जून के बाद जो है ये 14 जुलाई चल रहा है, 14 जुलाई 2019 का बैच नंबर 11 है, ठीक है। तो सभी बैचेज में ये क्लास चल रही है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपकी होगी, देखिए आज की इनकी 100 हो गई, ठीक। इजीली आपको क्लास पता चल गई कि क्लास क्या है। जिस दिन आप अपनी पूरी आईडी वगैरह बना लेंगे, देखिए यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, इनकी प्रोफाइल जो है जो इन्होंने डिटेल भरी है या फिर जो इन्होंने फ़ोटो दी है, आधार कार्ड दिया है, ये सब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, फ़ोटो, आधार कार्ड, हर चीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल लगी हुई है। और ये डिटेल सिर्फ और सिर्फ यही देख पाएंगे क्योंकि इनका आईडी कार्ड इनके पास है और संस्था के पास है और किसी और के पास रहेगा नहीं। अपना कोशिश करिएगा कि पासवर्ड किसी को दीजिए नहीं। एक सिस्टम हमने अटेंडेंस का लगाया है, देखिए यहाँ पे अटेंडेंस तो अब्सेंट दिखा रहा है। रीज़न ये है कि ये अटेंडेंस पैनल पे ही लगेगी, यहाँ पे मैं एक टच स्क्रीन लगवाऊँगा बहुत जल्द और आप आ करके उसमें अपनी अटेंडेंस टच के माध्यम से भी लगाएंगे, बायोमेट्रिक भी लगाते हैं, तब आपका यहाँ पे पैनल पे अटेंडेंस शो होने लग जाएगा, आप प्रेजेंट दिखाने लगेंगे, ठीक है। पैनल के अंदर का ही है, यहाँ पे फी का इनवाइस जो रहेगा, इनवाइस अब अंदर यहीं पे ही जनरेट होगा। अब आपको वो पर्ची नहीं मिलेगी, अब आपको विद जो है कंप्यूटराइज्ड पर्ची मिलेगी। सारी चीज़ें पूरी फी डिटेल आपकी यहाँ पर अपडेटेड होगी। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन यदि कुछ भेजा जाएगा, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी क्लास डेली की चल रही है। आपको अपना बैच यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना होगा, जो कोर्स चल रहा है, जैसे हिस्ट्री, प्रीकम, मेंस, ठीक है। अभी चूंकि डेटा ज़्यादा हमने डाला नहीं है, सारा कुछ डेटा डाल देंगे। कैटेगरी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, तो इसकी प्रोग्रेस क्या है, क्या ये कंप्लीट हो गया है या अभी चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री क्लास इन प्रोग्रेस, अभी चल रही है क्लास, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। जो जो टॉपिक इनके कंप्लीट होते जाएंगे वो ऑटोमेटिक कंप्लीटेड दिखाई देंगे कि ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए, क्योंकि बैच अलग अलग हैं। जब से आपने एंट्री ली होगी तब से आपके टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये रहेगा, कल के दिन आप मेरे ऊपर भी ब्लेम नहीं कर पाओगे, आपके अटेंडेंस से लेके हर चीज़ कि आपका सारा कुछ है। क्लास शेड्यूल यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे क्लास शेड्यूल का सेक्शन दिया गया है, देखिए सारे सेक्शन हैं यहाँ पे जितने ज़रूरी हैं, आने वाले समय हम इन्हें अपडेट भी करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग प्रयास किया गया है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, कोशिश करिए कि अब चीज़ों पे इस पे आ जाइए, जल्दी से जल्दी इस पे आ जाएंगे तो संस्था थोड़ा सा ये रहेगा कि हम आपके साथ बहुत जल्द जो है। तो इससे अपना आई कार्ड बनवा लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक अब दूसरी बात ये है कि एक मीटिंग एरिया हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, ये मीटिंग एरिया है, इसी पर मुलाकात होगी। मुलाकात का 3 समय है। पहली बात, एक चीज़ समझिए, जब क्लास चल रही हो आप इस सेक्शन में नहीं दिखेंगे कोई भी। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, क्लास चल रही होती है यहाँ पे टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ये क्या है। यदि आपकी क्लास है तो उसकी बात कर रहा हूँ, यदि क्लास का टाइम चल रहा है तो बाहर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर बैठिए, नहीं तो आप घर जाइए, ज़्यादा अच्छा है। क्लास चल रही है आप बाहर बैठ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको अंदर होना चाहिए। क्लास के टाइम पर कोई बाहर नहीं रहेगा, पहली चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज़, मीटिंग एरिया आपका ये तय किया गया है, आज इस पे सारा कुछ बना करके इसका टाइमिंग लिख दिया जाएगा कि कितने से कितने बजे में मिल सकते हैं आप टीचर से। टीचर से मिलने का टाइमिंग हमने कुछ ऐसे बनाया, आपकी क्लास पहली होती है 9 बजे से 11 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की, तो आपका सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आकर के मिल रहा है, जिससे हम भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते कि आज किससे मिलना है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के लिए एक पर्ची बनाई गई है जो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप जाएंगे रजिस्टर पे अपना अपॉइंटमेंट लिख देंगे, आपको एक पर्ची बना के दे दी जाएगी। ये पर्ची कोई भी आ सकता है, ऑनलाइन का बच्चा भी आएगा तो उसको भी पर्ची दी जाएगी। क्योंकि डेली में हमने टारगेट किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों से मिल पाएंगे, जो हमने टाइम हमारा निकल रहा है हर टीचर में, 3 टीचर हैं, तीनों मिलेंगे आपको आधे आधे घंटे ऑफलाइन, कोई भी आ सकता है। तो उसी हिसाब से आपको एक डेट और टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए आज नहीं, आज का टाइम फुल हो चुका है तो कल का मिलेगा, कल का फुल है तो परसों का मिलेगा। उस समय और टाइम पे टीचर के पास भी रहेगा, आप उनसे मिल लीजिए, ठीक है। नहीं मिल लीजिए, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं आप उस अवधि में अपने टीचर से, नंबर आपको दे दिया जाएगा जो उनके पास रखा होगा। तो वो अवधि आप मान लीजिए उस दिन नहीं आ रहे, आपकी बहुत ज़रूरी बात थी, तो आप उस अवधि मिल सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी बात है, जैसे मान लीजिए इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, पवैट सर पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात है आप क्लास में ही पूछेंगे। क्लास में पूछने से 2 फायदे, एक तो सबका बेनिफिट होगा, सबको पता चलेगा वो चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन यदि कोई ऐसा होगा कि इरेलेवेंट होगा, कुछ होगा, मैं बोल दूंगा यार बाद में आप पूछ लीजिएगा,
ठीक है, मुझे लग रहा है कि क्लास का टाइम खराब हो जाएगा या दूसरे का। यदि क्वेश्चन अच्छा है तो सबका बेनिफिट होगा। तो आप क्वेश्चन रिलेटेड बातें यहाँ से पूछिए। इसके अलावा अतिरिक्त तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुविधाएं होती हैं, कभी कभी मोटिवेशन गिरता है, कभी कभी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए आपके लिए अपॉइंटमेंट है, आपको लेना पड़ेगा। उस पर आप मिलिए 7 से 8 मिनट में। कोशिश यही रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। समझिए इस बात को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत लाइफ जो है ना, पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा समय बस अव्यवस्था में चला जाता है। तो बेहतर है कि अब ये सिस्टम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस पर आप सहयोग करिए और इस पर काम करिए। जो भी क्वेश्चन आपका टॉपिक से है, डरिए मत, आप पूछिए क्लास में, खुल के पूछिए। अभी तो बोलना सीखेंगे आप, 70-80 बच्चे आप लोग सब लोग रहते हैं। अब आप लोग आपस में ही यदि डरेंगे, एक दूसरे से बात लगेगा कि इससे पूछ लूँगा तो मेरा वो ना हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन कितना भी हल्का हो, लेकिन क्लास में पूछने की आदत डालिए। पूछेंगे, जिम्मेदारी पूर्वक हम बताएंगे। यदि मुझे लगेगा कि इससे बाकी की क्लास का टाइम खराब होगा, मैं 2 मिनट के लिए आपको बुला के बाहर बता दूंगा, या टीचर बुला के बता देगा, ठीक है। तो ये एक टाइमिंग हमने बनाई है। बाकी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी एक कॉलिंग, एक फ़ोन रखा जाएगा, आधे घंटे के लिए वो भी ओपन होगा। हर टीचर आधे घंटे अवेलेबल रहेगा, सबकी अलग अलग टाइमिंग है, वो टाइमिंग बहुत जल्द हम बता देंगे। तो आपकी जो है क्लास आपकी 9 से 11 होती है, 11 से 11:30 में आप एक टीचर वहाँ पर मिलेगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, ओपन करेंगे कोई ना कोई बैठा मिलेगा 11 से 11:30 में। इसके बाद दूसरी क्लास आपकी है 11:30 से 1:30 बजे तक की। तो 1:30 बजे से 2 बजे तक मेरी क्लास है चुकी, तो मैं मिलूंगा आपको वहाँ पे। आप उस घंटे में जिसका अपॉइंटमेंट होगा वही आएगा, ऐसे नहीं कोई भी दरवाज़ा खोला इंटर कर गया, नहीं, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट होगा, रजिस्टर मेरे पास भी होगा कि किस किस को मुझसे मिलना है, मैं सीधा सीधा उनसे जो है बात कर लूँगा। इसके बाद तीसरी क्लास आपकी 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक की है। उसके बाद 4 से 4:30 आप लोग वहाँ पे एक टीचर और मिलेगा। तो एक दिन में 3 टीचर, 1.5 घंटे का टाइम इनफ होता है। यदि आपके अलग अलग अपॉइंटमेंट होंगे तो भी मेरे ख्याल से सब लोग 4 से 12-13 लोग एक दिन में मिल सकते हैं, जो कि इतने नहीं मिलते हैं। तो आमतौर पे पूरा रेशियो बनाने के बाद ऑनलाइन वाले भी जो आएंगे उनका भी अपॉइंटमेंट ऐसे ही दिया जाएगा। इसके बाद हम आधे घंटे ऑनलाइन के लिए बैठेंगे। जैसे कि 11:30 से 12 आप लोगों की क्लास चालू हो चुकी होगी, इसलिए बाकी के लिए टीचर आपका ऑनलाइन वालों के लिए बैठेगा। तो ऐसा पूरा सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। इसमें आपका पूरा पूरा का पूरा सहयोग ये होगा कि आप, आपका फाइनल एडमिशन नंबर आपका अलग है, जिस पे आप लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं वो नंबर अलग है, आपको दिया गया है, उस पे व्हाट्सअप करिए, डिटेल करिए, उसी पे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उसी पे सारी चीज़ करेंगे, प्रॉपर रिस्पांस आएगा। अभी 2-3-4 दिन से हम व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन अब रिस्पांस हम देंगे, ठीक है। तो उसको आप, वो आपके लिए है नंबर, ऑनलाइन वालों का अलग है, ऑफलाइन वालों का अलग है। इसके अलावा क्लास की टाइमिंग आपकी पता है, कोशिश करिए टाइम से आप आइए, ठीक है। टाइम से हो, क्लास हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी होता है कि टॉपिक होता है, लगता है थोड़ा सा ही बचा है, तो हम भी करते हैं कि खींच देते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट ही कर देते हैं, अधूरा छोड़ेंगे कल भी उतना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उस कारण से होता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दूसरे, वो तो पढ़ाई से रिलेटेड ही क्लास लेट हो रही है, लेकिन ऐसे प्रयास हम करें कि डिले ना हो। बरसात 4 महीने की होती है, ठीक है, 2-3 महीने तो यहाँ पर रहना ही है इस एरिया में, तो बरसात डेली का डेली आप एक छाता खरीद लीजिए, चल जाएगा उससे, छाता से कोई बुराई नहीं है, 100-150 रुपये का खर्चा है, आप आइए, क्लास को मिस मत करिए। जिस दिन क्लास नहीं होगी कोशिश करिएगा, एक तो व्हाट्सअप ग्रुप आपका है ही, व्हाट्सअप ग्रुप में जब इमरजेंसी अलर्ट होगा बोल दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क ना चले, कुछ ना चले, आप वेबसाइट ओपन ना कर पाएँ, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि आपको हम व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से भी चीज़ें बताते रहें, ठीक है। वहाँ पर भी हमारे एक डिस्कशन चलते रहेंगे, नहीं आप पर्सनली व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं, आप मुझे कर सकते हैं, मेरा नंबर तो है आप लोगों के पास, ठीक है। मैं किसका रिप्लाई नहीं करता हूँ, बहुत जिसको जो भी करता है मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ टाइम निकाल के, चाहे मैं रात को 12 बजे करूँ लेकिन करता ज़रूर हूँ। तो आपको यदि कोई ऐसी दिक्कत है तो वहाँ पर आप कर पाएंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए मीटिंग रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक जो भी होगा आपका, उसको क्लासरूम में ही डिस्कशन किया जाएगा, इसलिए यहीं पर करिएगा। सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वहाँ मत लेके जाइएगा, टीचर को लगेगा वहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, सब्जेक्ट में लगता है टाइम। तो यहीं पर ही हम सबका डिस्कशन करेंगे, सबको रिवीजन भी हो जाएगा उसी बहाने आपका, और चीज़ों को हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। यदि मुझे लगता है कि भाई इस चीज़ का टॉपिक मुझे कल बताना चाहिए, जैसे कल इनके 4-6 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन मुझे बहुत विवादित लग रहे थे, क्योंकि उस बुक में कुछ और है, किसी बुक में है, इतिहास के साथ प्रॉब्लम है, इतिहास में क्या है, टॉपिक में बहुत सारा वेरिएशंस मिलेगा आपको, जो राइटर हैं राइटरों के बीच में भी मतभेद है, एक एक डेट को लेकर मतभेद है, क्योंकि बहुत प्रामाणिक चीज़ें नहीं है, ये बहुत पुराना इतिहास आज लिखा गया है, तो बहुत सारे आपको फ्लक्चुएशंस मिलेंगे।
तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आप इनसे घबराएंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ पिछले साल के क्वेश्चंस देखो, पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपको बुक्स वगैरह जो भी हैं संस्था में अब मिलेंगी, ठीक है। बुक्स वगैरह के लिए बाहर आपको जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, चीज़ें हैं वो लगभग लगभग UPSC और PCS रिलेटेड सारी बुक्स मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको अगले मंडे से सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने लग जाएंगी, इसलिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉब्लम ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक और जो प्रॉब्लम हो, यहाँ पे मैं एक रजिस्टर रखवा रहा हूँ। रजिस्टर में मेरे ख्याल से आप लोग प्राइवेसी नहीं रखते, एक दूसरे की प्राइवेसी लीक हो जाती है, तो एक बॉक्स रखवा रहा हूँ जिसमें लॉक लगा होगा, अपनी प्रॉब्लम आप लिख के डाल सकते हैं। वो पर्सनली प्रॉब्लम हमारे पास आएंगी, हम उनको सॉल्व करेंगे। खुल के बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो, यदि खुल के बताएंगे तो चीज़ों का सलूशन मिलेगा। मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें आप आती हो सकता है उनसे 500 ज़्यादा चीज़ें आपके पास आती हों। तो यदि संस्था के हित में कोई चीज़ है तो निश्चित तौर पे उसका सलूशन करना चाहिए, ताकि उससे दोनों लोग जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज़, थोड़ा शालीनता भरा व्यवहार करिए। शालीनता बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने जीवन में। अपने मित्रों के साथ शालीनता, या संस्था के साथ शालीनता, या बाहर जाके शालीनता, ये बहुत ज़रूरी है। यदि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप अलग तरीके से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन शालीनता मत खोइए। क्योंकि शालीनता खोएंगे तो उससे बहुत लोग डिस्टर्ब होंगे। पहली बात, सबसे ज़्यादा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा यदि आप शालीन व्यवहार नहीं करेंगे तो। क्यों डिस्टर्ब होऊंगा, ये लगता है कि यार ये बच्चे को इतना, क्योंकि बात अंततोगत्व आ जाती है लास्ट तक, तो होता है कि छोटी सी चीज़ पे आप डिस्टर्ब कर देते हो। किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है कैसी भी, देखो एक चीज़ और आज आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गाजियाबाद में, ठीक है। फाइनेंशियली जिसको दिक्कत हो, किसी भी दिन कोई भी प्रॉब्लम बाहर या पैसे से रिलेटेड या किसी और ने रिलेटेड हो, आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, फिर देखना कि सर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। किस तरह की टेंशन मत लेना, आप घर से बाहर पड़े हैं, कोई दिक्कत आपकी है, बाकी चीज़ों समस्याओं का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आपकी और जितनी समस्याएं हैं यदि मेरे से बन पड़ेगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। इसलिए कभी भी हिचकिएगा नहीं इन चीज़ों को लेकर के। पढ़ाई करिए, पढ़ने के लिए आप आए हैं, पढ़ाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से चीज़ें चलेंगी। यदि आपको संस्था से कुछ प्रॉब्लम लगती है, आप उसको खुल के बताइए, उसको छुपा के मत रखिए, किसी और से मत बताइए। कोई और प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, मज़े लेगा और साथ साथ आपको आपकी चीज़ों को लीक करेगा बाहर, ठीक है। उसके बाद जब उसको पता चलेगा तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, या आमतौर पे आप करते हो या सब कोई करता है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है खुल के बताइए, उसके लिए मैं एक लगवा रहा हूँ, उसमें लिख के डाल दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डेली मैं सबकी सुनूँ, ठीक है। तो आप डाल दीजिए, उसमें लॉक लगा दिया जाएगा, लॉक के माध्यम से आपके पास वो प्रॉब्लम मेरे पास तक आती रहेगी, ठीक है। तो इतना जो है सिस्टम अभी है, इसको आप कंटिन्यू कराइए। पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आई कार्ड बन जाएगा। आई कार्ड यदि कोई पूछता है तो शालीनता से बता दीजिए, भूलिए मत, उसको साथ में रखिए, प्रयास ये करिए। मैं तो कहता हूँ क्लास के अंदर रहते हैं तो उसको गले पे डाल के रखिए, तो भी कोई बुराई नहीं है, इतना तो कम से कम बनता है। यदि आप अब धीरे धीरे हम अपग्रेड हो करके थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करें तो आपका सहयोग ये बनता है कि आप आई कार्ड अपने पास रखें, उससे सहयोग करें। जो ऑनलाइन है, दिमाग में बैठा लो, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन वाले मिलने आ सकते हैं, उनका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए। आपको अपॉइंटमेंट के लिए उनके लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। जो ऑनलाइन बैच के बच्चे उनसे मिलेंगे भी, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन क्लास में आके डिस्टर्बेंस होगा उनके आने के बाद। वो क्या टॉपिक वहाँ पे है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे के साथ मिसकंडक्ट हो। यदि आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ऑनलाइन हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन हो गए हैं, ये बात समझिए, आप ऑफलाइन नहीं हैं। रही बात ऑनलाइन को लेके जो दिक्कतें आ रही हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम से हैं कि डाउनलोड है सब चीज़ें प्रॉब्लम। मंडे के दिन नया एप्लीकेशन आएगा, नया बिल्कुल दूसरा, प्लस प्लस नहीं, प्लस हटेगा, प्लस रहेगा, वो रहेगा, एक और रहेगा, एक और एप्लीकेशन आ रहा है, उसमें डाउनलोड से लेके सारी प्रॉब्लम सॉल्व सब कुछ आएगा उसमें। पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ उसी में लगा हुआ हूँ, और हाई क्लास एप्लीकेशन उसको डेवलप कराया गया, उसमें डाउनलोडिंग से लेकर सारी प्रॉब्लम, बस ये कि प्रॉब्लम हो रही है कि डाउनलोडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसी को लेकर टाइम लग गया, नहीं तो सारा कुछ उसमें अपडेट हो चुका है। सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जब आप ऑनलाइन होंगे आप इजीली वर्क कर सकेंगे, कितने कम से कम रेजोल्यूशन पे आप चला सकेंगे। तो वो आपको मंडे के दिन मैं दे दूंगा, किसी भी हालत में, सुबह से लेकर शाम तक अभी उसी काम पे लगा रहता हूँ। यहाँ से फ्री हुआ पढ़ाने के बाद और दूसरा काम नहीं होता, दिमाग में बस वही चल रही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, 52 बैच हैं, जो यहाँ से जा रहा है उसी पे जा रहा है, तो उसका 1 मिनट ख़राब हो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसी वीक में हो जाएगी 110%। 8 लोग लगे हुए हैं उस काम पे, दिन प्रतिदिन बस वही काम हो रहा है, उसी काम पे 99% काम देते हैं। तो अब जो ये सिस्टम क्रिएट हुआ है इसको हम सब लोग फॉलो करेंगे, बस ये सहयोग करिए,
इसको फॉलो करना अनिवार्य है। इसके अलावा वेबसाइट में भी कोई अदर प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रही, तो वेबसाइट में एक व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, देख लीजिए, उसमें सीधा आप अपने व्हाट्सअप पे चले जाएंगे। देखा होगा यदि आपने, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए फिर से, इस नंबर पे जाके आप जो भी कहेंगे, ये चूँकि नंबर, ये नंबर है, ये लिखा हुआ व्हाट्सअप का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, साइड पे बना हुआ था ये, देखिए आप व्हाट्सअप पे चले गए अपने आप, उसको टच करते ही ये आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन निकल के आएगा इस नंबर पे, क्योंकि डेली मैं इसकी रिपोर्ट इस व्हाट्सअप नंबर की तो पक्का लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है। ये व्हाट्सअप का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, बना हुआ है, आप इसको टच करेंगे, व्हाट्सअप फॉर बिजनेस करके एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करके रखिए, व्हाट्सअप अलग है, व्हाट्सअप फॉर बिजनेस अलग है, तो उसके थ्रू ही आप इसके थ्रू चैट कर पाएंगे, ये संस्था का ही है और इससे आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं यदि आपके पास व्हाट्सअप है तो इससे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं तय करता हूँ। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, डाउट हो तो बताए, बाकी आप कोर्स, आप 4 दिन आते हो, 5 दिन नहीं आते हो, हमने एक सिस्टम बनाया था कि 4 दिन जिसकी अटेंडेंस नहीं रही, शॉर्ट रहा, उसको हम फिर उस सब्जेक्ट से निकाल देंगे, ये चीज़ मजाक में नहीं थी, ये चीज़ ये है कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम दूसरे चीज़ों को लेके है कि ऑनलाइन वालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके बाद देखिए कितनी कड़ाई से वो चीज़ चलेगी। आई कार्ड जरूर लेकर आइए, बिना आई कार्ड के प्रवेश मत करिए प्लीज़, इस चीज़ के लिए आप माफ़ी मैं आपसे मांगूंगा यदि आपको कोई कहता है, क्योंकि आई कार्ड बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कल के दिन कोई चीज़ें हों, बहुत ज़रूरी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, आप में जितने लोग बैठे हो सबकी एक एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज आप बड़े हो जो कुछ भी हो, लेकिन तब भी जिम्मेदारी है, तो इसलिए संस्था में कुछ रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे और वो रेगुलेशंस आपको फॉलो भी करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि संस्था आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आपके अकॉर्डिंग ही चल रही है, आपके बेहतरी के लिए चल रही है, ठीक है। अभी आप हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छे और बड़े एग्ज़ाम को लेकर के सोच रखते हैं, तो उस एग्ज़ाम के सेक्शन के सिस्टम की तरफ धीरे धीरे आना, हम भी सीख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और धीरे धीरे अब बना चुके हैं सारा सिस्टम, तो अब उसको आपको रन करवाना है, रन कराने का काम आपका रहेगा, ठीक है ना। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है पर्सनली टीचर मिलता है, उसके रजिस्टर में लिखवा के आइए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व करा दीजिएगा, आप ही करा दीजिएगा, नहीं हो पा रही मैं क्या करूँ, ठीक। बस बाकी पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए हमेशा स्वागत है, जब भी जो भी मदद होती है पूरी मदद मैं खुद करता हूँ। अब आप घर पे क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेन उद्देश्य के लिए आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करो बस, डाउट हो तो पूछ लो किसी के भी, है कोई डाउट नहीं है, यही दिक्कत है बाद में डाउट निकल के आते हैं दूसरे से, यदि संस्था में मैं पूछूं तो नहीं डाउट आपको मिलेंगे, बाकी बाहर में बहुत सारे डाउट हैं आपको। अच्छा, अरे इसमें आप लोगों को लिंक शेयर की गई थी, आपने लिंक किसी और को भी शेयर कर दी है, कुछ लोगों ने अदर व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर की है, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे आ गए हैं जिनका संस्था से कोई लेने देने। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, लिस्ट दिखा देता हूँ, मैं नाम बता देता हूँ आपको कौन कौन है जो जिनका जिनका हो गया है, ठीक है, नाम बता दूँ, नाम बताने से हो जाएगा मेरे ख्याल से काम, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ जो रजिस्टर्ड में मेरे पास शो हो रहे हैं।